टेक दिस, बोल हेलो। अभी कुछ लकड़ी यहाँ से गुजर रहे थे, उन लोगों को लगा ना कि मेरा बर्थडे हो रहा है यहाँ पे केक वेक देख करके, तो सभी बोलते गए हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा ना, आई लव यू कुणाल, ये किसका नाम है? आशुतोष। 24 अगस्त 2019 पूजा ना पर ये भी जल्दी बोल दो ना फ्रेंड्स, ऑल योर पता नहीं क्या क्या है, अगर आपको नहीं पढ़ना ये किसी ने चुराया बनाया है। नहीं, इसको हम नहीं खा सकते, आज मेरा उपवास है ना, आज हमको सिर्फ व्हाइट खाना है, आज इसीलिए मेरा उपवास है व्हाइट खाने वाला। वेट है, हाँ निकालिए निकालिए। हेलो एवरीवन, इट्स मी आशु, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत अलग है, बहुत हटके और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के वीडियो में करने वाली हूँ फुल ऑन व्हाइट फूड चैलेंज, जिसके लिए मैं टॉप टू बॉटम फुल ऑन व्हाइट व्हाइट परी बनी पड़ी हूँ आप लोगों के सामने, एंड दिस इज लुकिंग वेरी ऑसम। उसके साथ साथ बहुत सटल वाला मेकअप भी हो गया है और एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज व्हाइट जुगाड़ में कर चुकी हूँ, तो इसलिए अभी हम लोग का गुड मॉर्निंग वाला टाइम नहीं हो रहा है, लेकिन मैं गुड मॉर्निंग वाला आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 बज रहा है, तो ये तो आफ्टरनून हो गया, बट चलो कोई बात नहीं, लेट ही हो गया, बट क्या हो गया, हम लोग ब्रेकफास्ट से ही स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए कुछ प्लान किया है तो वो अच्छा है, उसके बाद फिर हम लोग ना लंच टाइम पे बाहर चलेंगे, तो बाहर में जाकर के फिर हम लोग देखेंगे क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तरफ। सो गाइस, फॉर व्हाइट चैलेंज मेरे पास ये एक फ्रॉक है जो कि फुल ऑन व्हाइट है, एज यू कैन सी, ये बहुत प्रिटी वाला फ्रॉक है, इसलिए मैं टॉप में कुछ नहीं ली और बॉटम के लिए मैं ये व्हाइट लेगिंग्स ली हूँ, एंड दिस वन इज़ व्हाइट दुपट्टा, मतलब फुल ऑन बहुत ही प्यारा सा सटल सा इंडियन लुक करने वाले हम लोग, और ये पूरा पूरा व्हाइट है। तो आज ब्रेकफास्ट अभी गुड लाइक बहुत लेट हो चुका है, तो मैं सारा का सारा सब कुछ आपको ए टू जेड दिखाती हूँ। सो पहले इस आउटफिट को रेडी करते हैं। मैं जो हील्स खरीदी थी लाइक स्लीपर था तो ये वाला था, और मैं भूल गई थी कि मेरे पास ऑलरेडी 2 हील्स हैं वाइट में, तो एक ये है जो कि थोड़ा सा हेवी है कोलाबोरी टाइप का, और दूसरा ये है, तो ये मेरे स्ट्रेस पे चल जाएगा क्योंकि ये भी वाइट ही है, मतलब ऑफ वाइट है, तो ये वाला हील्स हमारा चल जाएगा। तो बाकी और बॉक्सेज में भी है, तो मैंने चेक किया तो कोई वाइट नहीं था, बट हाँ मुझे याद नहीं था कि मेरे पास 2 ऑलरेडी वाइट हैं, और ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, बट ये बहुत प्यारा सा लग रहा था इसलिए मैं इसको ले ली, और बहुत अफोर्डेबल रेंज में मेरे को मिल भी गया था, सो दैट्स व्हाई। एंड हियर आई एम, फॉर लेट मी शो यू माय फुल आउटफिट विद माय मेकअप। तो ये देखो आप लोग, ये ऑफ वाइट स्लीपर जो कि मतलब बहुत प्यारा है इस आउटफिट के साथ जा रहा है, उसके साथ साथ दिस वन वाइट एंकल लेंथ पैजामा जो कि एंकल लेंथ नहीं था, बट मैं उसको ना एंकल लेंथ कर ली हूँ कुछ क्रिएटिविटी अपना करके, एंड वाइट लेस फ्रॉक जिसमें बहुत अच्छा फ्लेयर है। तो मेरे पास एक्चुअल में ये फ्रॉक पहले से था, तो मैं सोची कि ठीक है, और टॉप का तो कुछ ऐसा मैनेज हो गया, और दिस इज़ वाइट शिफॉन दुपट्टा, तो ये फुल ऑन आउटफिट हमारा बहुत अच्छा रेडी हो गया है, उसके साथ साथ मतलब हर एक चीज़ हमारा बहुत सटल सा हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तरफ, सो लेट्स गो। सो गाइस, दिस इज वाइट ब्रेड, तो अभी मैं जैसे जैसे कर रही हूँ उस वजह से आप लोग देखते रहो, वाइट ब्रेड का ना जो साइड साइड का पार्ट होता है वो ब्राउन होता है, तो उसको मैं कट करके हटा लूँगी और बहुत ज़्यादा नहीं खाऊंगी यार, क्योंकि मैं बहुत एक दिन में ही मैं पहलवान बन जाऊँगी और मेरे बहुत सारे डोले शोले बन जाएंगे, तो उतना हमने नहीं खाना है। तो ये छोटे छोटे पीसेस है, ऑलमोस्ट मैं 5 पीसेस ले रही हूँ, 5 पीसेस भी बहुत ज़्यादा ही होते हैं आप लोग यही सोचोगे, तो या एग्जैक्टली, बट ये छोटे छोटे वाले पीसेस है, इसका पूरा का पूरा ब्राउन पार्ट मैं काट दूंगी, मतलब एकदम वाइट तो एकदम वाइट, कोई इसमें चीटिंग एंड ऑल नहीं करना है हम लोगों को, बाकी इसे मैं रख दूंगी बाद में काम आएगा। और फिर एक
एग मैं बॉईल कर रही हूँ, ये देखो दिस इज वाइट एग। मतलब हमेशा तो मुर्गी का अंडा हल्का सा येलो टाइप का होता है, बट यहाँ ये सब फार्म वाला एग होता है तो ये वाइट वाइट हम लोग को मिल जाता है। तो इसे मैं बॉईल करी हूँ, अब इसे मैं फोड़ लूंगी और अंदर का येलो पार्ट आई विल नॉट ईट दैट, वरना मैं एक दिन ही बहुत ज्यादा खली की औलाद बन जाऊंगी। सो इसीलिए, और बाकी इसके साथ हम लोग देखते हैं क्या ले सकते हैं। तो एग्जैक्टली हम लोग उसके साथ मिल्क का सेवन कर सकते हैं, जो कि होता है गाय का दूध, और गाय का दूध एग्जैक्टली है मेरे घर में। और तो ऐसे मेरा प्लान, मेरा कैमरा ही घूम जा रहा है। वेट गाइस, सो हियर इज मिल्क, और इसे मैं थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। तो मिल्क के साथ ना ब्रेड बहुत अच्छे से टेस्ट करता है, और एक को अभी भी मैं फोड़ लूंगी क्योंकि ये फूटा हुआ नहीं है। So guys, my breakfast is ready. तो यहाँ पे हमारा व्हाइट व्हाइट मिल्क रहा, यहाँ पे हमारा व्हाइट व्हाइट ब्रेड रहा, हल्का हल्का से इसका साइड से छूट गया है, सो प्लीज डोंट माइंड। एंड यू कैन सी कि इसका योक गायब कर चुकी हूँ मैं, तो सबसे पहले मैं इसी को खाऊंगी। अमेजिंग, मजा आ गया इसको, और मैंने पूरा का पूरा सब कुछ फिनिश कर दिया, और मैं अब बहुत ज्यादा फुल 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 हो चुकी हूँ। तो अभी तो मुझे दोपहर का कोई प्लान नहीं, वैसे अभी दोपहर ही हो रहा है, तो अब जो होगा वो शाम में होगा, तो मतलब 2 घंटे के बाद ही होगा, मतलब 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद ही होगा जो होगा। ओके, तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ इसके बाद, जब हम लोग जाएंगे बाहर। जब हम लोग चलते हैं बाहर, और मेरे पास एक ये ऑफ वाइट कलर का स्वेटर भी था, और मुझे बिल्कुल याद नहीं था, और ये स्वेटर ना इस पर बहुत अच्छा लग रहा है। ये हैंडमेड स्वेटर है, जिसको कि मेरी छोटी मम्मी ने बुना है अपने हाथों से, बहुत प्यारा डिज़ाइन है, और यहाँ तक मतलब ये भी बहुत लॉन्ग है, तो इसको मैं पहन रही हूँ। और अब हम लोग निकलते हैं बाहर, बाहर देखते हैं दोपहर में हम लोग क्या क्या खा सकते हैं। वैसे ये शाम टाइम हो रहा है, तो बहुत सारा हमें स्ट्रीट फूड वगैरह भी मिल सकता है, तो सुन के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे मैं ब्रेकफास्ट बहुत लेट से की हूँ, तो मेरा पेट ना बहुत ज़्यादा फुल है, बट देखते हैं क्या हम लोग खा सकते हैं और कितना इन्जॉय कर सकते हैं। सो लेट्स गो गाइस, आई एम रेडी टू गो आउटसाइड एंड लुक एट मी। वैसे मैं ना ये मास्क भी ब्लैक ब्लैक लगा, मतलब मास्क भी मैं वाइट वाइट पहन सकती थी, बट मैंने वाइट मास्क नहीं पहना क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता, बिल्कुल फेस पे अच्छा नहीं लगता वाइट मास्क, तो इसलिए मेरे पास ये ब्लैक और वाइट में खरीदना भी भूल गई थी मास्क, बट ठीक है, ऑल दो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो दिस इज़ माई फुल आउटफिट एंड हियर इज़ माई पर्स, तो या लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। एंड वेदर इज़ सो ऑसम, मतलब एकदम हल्का हल्का वाला ठंड, और काफ़ी मस्त मस्त सा फील आ रहा है। लुक एट दिस, वाओ, ये जुल्फे कितनी मस्त मस्त लहर रहे हैं ना। या सो लेट्स गो। चलिए, वाइट वेट है, हाँ निकालिए निकालिए, हो गया ठीक है। अब उसको दाल को किस में परोसिएगा? पॉलिथीन में दे देंगे, ठीक है हम आपको देते हैं पॉलिथीन। अभी भी गर्म नहीं हुआ है, आप उतना देर से गर्म नहीं किए थे उसको, छोड़िए मेरा मेयोनीज पैक कीजिए जब तक।
नहीं है ले तो कुंची में खिलाइएगा भैया। ये चटनी तो लाल है, इसको हम नहीं खा सकते, आज मेरा उपवास है ना, आज हमको सिर्फ वाइट खाना है, आज इसीलिए मेरा उपवास है वाइट खाने वाला। देखते हैं ना, चलिए ठीक है, ठीक है चेक कीजिए। सो गाइस वाइट वाइट केक भी मिल गया और अब हम लोग जा रहे हैं फिर से अपना मोमोज करवाने पैक, क्योंकि वो गर्म हो ही नहीं रहा था। तो आगे आगे तो ये हमें मिल गया, अब चलते हैं वहाँ पे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे रिवर साइड इसको खाने को, बहुत मज़ा आएगा। सो गाइज मैं अभी यहाँ पहुँची हूँ गंगा नदी के पास और आज मैं ये सब यहीं पे ठूसने वाली हूँ, मतलब सबका सब, बहुत सारे पैकेट्स में हो गया है और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं पहले क्या ठूसूँगी, लेकिन कुछ तो ठूसूँगी। पहले मैं बैठने के लिए यहाँ पे जगह ढूंढ रही हूँ और मैं खाऊँगी उसके बाद, मतलब अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कुछ बैठने का जगह, मतलब कुछ क्या है कि बैठने की जगह, ऑब्वियस बात है। और पानी गंगा में का बहुत कम हो गया है, पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बहुत बहुत ज़्यादा कम हो गया है। वो मैं आपको दिखा दी हूँ बैक कैमरा से, मतलब इतना कम हो गया पानी कि बस बीच में ही लग रहा है, बाकी सारा साइड साइड से तो पूरा सूखा सूखा सा लग रहा है, पूरा लैंड बाहर आ गया है। आई लव यू कुणाल, ये किसका नाम है? आशुतोष। 24 अगस्त 2019 पूजा। अरे इधर 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 पता नहीं क्या क्या है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो प्लीज पढ़ लेना, ये किसी ने छुड़ैल बनाया है यार। अब दिखाओ उधर कभी, ये पैकेट मेरे हाथ में ढेर सारा हो गया है और मैं ना मतलब हर चीज़ जुगाड़ जुगाड़ से खरीद चुकी हूँ, मज़ा आने वाला है। तो मोमोज हमारा गर्म है अभी भी, तो मैं सोच रही हूँ पहले मोमोज ही खा लेते हैं, फिर वो क्योंकि ठंडा होगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अभी मास्क हटा सकती हूँ आपको, तो मैं सोच रही हूँ मैं इस पर बैठ जाऊँ ठीक है। तो मैं गाइस लुक एट द व्यू, ओह माय गॉड लुक एट माय झुमका, मतलब मैं बहुत अच्छी लग रही थी इस आउटफिट में और ये आउटफिट मुझको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। या लुक एट द पब्लिक, बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको बैग दिखाती हूँ, बहुत प्यारा है बैग। देखो ये जितना ग्रास दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा ग्रास ढका हुआ था, मतलब ये जो पुल का जो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वहाँ तक आ गया था पानी और पूरा ये भरा हुआ था, वो कुछ लैंड वैंड वहाँ का कुछ नहीं दिख रहा था, मतलब वो पिलर आपको ऊपर का दिख रहा है ना, उसके आधा से और ऊपर पानी चला गया था। लेकिन अब देखो पूरा सूख गया, पूरा उधर का ना मिट्टी विट्टी सब दिख रहा है। अभी ये देखो, तो मैं ना क्या क्या ली हूँ मैं ये बताती हूँ। मोमोज ली हूँ, चिकन मोमोज, इडली ली हूँ, या एग्जैक्टली, और इसको मैं आज से पहले कभी खाई नहीं हूँ तो ये मेरा फर्स्ट ट्राई होगा। सबसे पहले मैं इसी को ली हूँ और फिर हम ना मंगनीस चले गए थे, फिर वहाँ से ये ले लिया। अभी मैं सोची हूँ कुछ ड्रिंक करने के लिए मंगा लूँगी। सो ये देखो ये नया ब्रिज बन रहा है जो कि बहुत खूबसूरत सा बन रहा है और बहुत लंबा है। ये देखो बहुत दूर से मतलब ये ब्रिज बना हुआ है, कितना मेहनत लगता होगा ना यार ये सब बनाने में। सबसे पहले मोमोज, I don't know.
गाइज ये है इडली जो कि साउथ इंडियन का बहुत फेमस है। ये राइस से बनता है, अब जो जानते हो भाई वो मेरे को बताना। और इसको मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ। इसके साथ इसने मुझे दाल दिया था, तो दाल तो येलो येलो है, बट मैं इसको डाल के ट्राई करूँ क्योंकि मैं पहली बार ट्राई करने जा रही हूँ। मैं ऐसा कुछ टेस्ट में समझौता नहीं चाहती हूँ। दूसरा ये मोमोज था जिसमें से कि मैं 4-5 घटक चुकी हूँ। और ये हमारा मंगनीज का पेस्ट्री। तो ये कौन सा फ्लेवर था पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट दिस फ्लेवर, बट जो भी है देखते हैं इसको टेस्ट करके। दाल है तो मैं सोची थी कि पूरा वाइट खाऊंगी, बट यार इसके बिना इसको मज़ा आएगा नहीं, ऐसा मेरे को सुनने में लगा है। तो इसको पहले इसमें डिप कर दो और उसके बाद तब इसको तिनका से उठाया खाया जाता है, बट उन्होंने ना मेरे को तिनका नहीं दिया और मैं भी मांगना भूल गई थी। अब इसको ना इसमें डिप करके खा के अच्छा, थोड़ा खट्टा खट्टा उधर देखो कितने सारे लोग हैं, उधर देखो। अभी कुछ लकड़ी यहाँ से गुजर रहे थे, उन लोग को लगा ना कि मेरा बर्थडे हो रहा है यहाँ पे केक वेक देख करके, तो सभी बोलते गए हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा है ना, इस अभी दो प्यारे प्यारे बच्चे आए मेरे पास, बोल रहे कि हमें भी केक खिला दो, चलो हम लोग साथ में केक खाते हैं। आ जाओ इधर। हाँ तो इधर आओ ना, तुम लोग दिखाओ तो सही कि हम लोग बच्चे हैं। तो इसे मैं कट कर देती हूँ। ये लोग गुब्बारे सेल करने वाले बच्चे हैं, लेकिन अभी मैं गुब्बारा नहीं खरीद सकती हूँ यार। नहीं बाबू, नहीं ले सकती हूँ मैं। तो मैं इन लोग साथ शेयर करती हूँ। लो बेटा बुलाओ, बाबू को भी बुलाओ, उसको भी। थैंक यू दीदी, बोल रहा है बच्चा, अच्छा बच्चा है। आ जाओ बाबू, कहाँ गया एक और। तुमको दो बार दिया। अच्छा रुको, तुमको थोड़ा सा और दे देते हैं। ये देखो मैंने अपना 50% से ज्यादा शेयर कर दिया है, खा लेंगे थोड़ी सी। वैसे भी मेरे को व्हाइट खाने में ठीक है। आई लव इट, मुझे ये बहुत पसंद है। गाइज हैप्पी बर्थडे टू मी। यहाँ सबको एग्जैक्टली लग रहा है कि मेरा बर्थडे है। अभी मैं ना फोन अपने फ्रेंड्स को उठवा करके दिखवाती हूँ अगल बगल का, वो चचा देखते हुए जा रहे कसम से। आप लोग के लिए है मेरे प्यारे 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 फैमिली के लिए, और इसे बस आप लोग खाओ या मैं खाऊँ बात तो बराबर है, तो इसे मैं कटक लेती हूँ। और बस यहाँ पे बहुत थोड़ा बहुत कचरा हो गया है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग बाकी इसको खत्म करें। और तो गाइस मैं सब कुछ ले ली थी, तो मेरा पर्स नीचे चला जाता। मैं सब कुछ ले ली थी, मोबाइल मेरा टेढ़ा है, मैं सब कुछ मैं कट पे कट ऐसे करो और ऐसे करो या सो। गाइस मैं हर चीज़ ले ली थी, बट मैं टिश्यू पेपर लेना भूल गई थी, मतलब कि किसी ने दिया ही नहीं, भूलना क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कचरा वचरा हो गया है और टिश्यू पेपर नहीं है, तो ये मॉगनीज का जो कैरी बैग था वो काम आ गया है। और मुझे लग रहा है मेरी फ्रेंड ना मेरा पर्स नीचे गिरा के रही उधर कट्टे में, तो इसको क्या करूँ मुझे नहीं पता, लेकिन इसको ऐसे कर देती हूँ ताकि यहाँ का थोड़ा क्लीन तो रहे यार। और वाइट वाला हमारा चैलेंज कंप्लीट हुआ। मुझे तो मज़ा आया खा करके, और आप लोग को मज़ा आया या नहीं आया आप लोग ये बात बताना। एंड या सो गाइस वही चचा बहुत देर से मुझे देख रहा है जो वहाँ पे खड़े हैं। काश मैं इसमें जूम कर पाती, बट नहीं मैं इसमें जूम नहीं कर सकती हूँ। और अब वो चचा देख करके अब वो सर के यहाँ से, और अब मैं दिखाती हूँ और चचे चचाओं को
और दो प्यारे प्यारे सब अच्छा आया हुआ था बलून बेचने के लिए। मुझे पता था वो लोग मेरे पास जरूर आएंगे बलून बेचने के लिए, क्योंकि उन लोगों को भी यही फील हुआ होगा कि मेरा बर्थडे ही है तो बट मैं बोलेंगी बेटा खा लो कुछ, लेकिन बलून नहीं खरीद सकती हूँ मैं। तो उन लोगों ने बोला ठीक है आप अपने केक में से हमें खिला दीजिए, तो इसीलिए मैंने अपने केक में से उन लोगों को शेयर कर दिया और मज़ा आया। ये लव इट। लिपस्टिक जल्दी से रिटच कर लेते हैं थोड़ा सा, वैसे लिपस्टिक मेरा पूरा खत्म नहीं हुआ बट फिर भी चलो ठीक है थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। प्यारा प्यारा सा पर्स और अब मैं ना इसमें से लिपस्टिक निकाल लेती हूँ और लिपस्टिक निकाल के एक बार रिटच कर लेती हूँ। वेयर इज माय लिपस्टिक? यस आई गॉट इट। दोनों मिक्स है क्या? दोनों मिक्स्ड है, देखिए निकालिए तो। ये कौन सा है? अच्छा वो दोनों मिक्स्ड है इसमें। और कुछ नहीं है व्हाइट कलर में, कोई चॉकलेट वगैरह या कुछ भी white, मतलब व्हाइट हो या फिर क्रीम कलर हो? नहीं है। अच्छा ठीक है तो हाँ व्हाइट है, फिर ये देखो वो कौन सा है? राबड़ी वाला। अच्छा कितने का है? वो भी दे दीजिए। जो मेरा सबसे लास्ट फूड है उसमें मैं इंक्लूड की हुई इस दो चीज़ को, जो कि ये है मुरब्बा, ये भी ऑफ वाइट कलर में है, अगर आप लोग जैसे देख सकते हो तो ये आप लोग को कलर दिख रहा होगा। और इधर मैं ना दो आइसक्रीम ली हूँ, तो इसमें दोनों फ्लेवर मिक्स है, एक तरफ वैनिला है एक तरफ स्ट्रॉबेरी है, तो वैनिला थोड़ा सा मतलब वाइट कलर का है ये देख सकते हो, बाकी स्ट्रॉबेरी वाला मैं नहीं खाऊंगी छोड़ दूंगी। और इसका पैकेट पिंक है बट वो शॉपकीपर ने कहा कि ये आपको वाइट कलर का ही मिलेगा, मतलब अंदर में ये रॉयल राजवारी है, ये पता नहीं कौन सा कुल्फी बोल रहा था शायद। तो ये तो फाइनली ये हमारा पूरा का पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी इसको 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 टेस्ट करते हैं। तो गाइस इसको जैसे मैं पैकेट से निकाली आधा इसके अंदर ही और आधा ये बाहर आ रहा है मेरे हाथ में, बाकी आधा है इसके अंदर। ठीक है उसको बाद में निकाल निकाल के खाई देगा। ये मुरब्बा, इसे पत्थर ऐसा मुरब्बा दिया, इतना बड़ा बड़ा, ये छोटा छोटा रहता है तो और टेस्टी टेस्टी लगता है। हाँ बड़ा बड़ा उसने मुरब्बा दिया है। टेस्ट टेस्ट
गाइस, आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये अजीबोगरीब वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। और इस टाइप के और भी चैलेंजेस वीडियोस अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मजा आया क्योंकि मैंने बहुत अलग अलग फूड ट्राई किया, फूड हो गया, फास्ट फूड्स हो गया, मतलब एकदम उतना दाल चावल वाला फूड मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के खाने वाली चीज़ों को मैंने आज ट्राई करा है और मज़ा आया। और इस तरीके से पब्लिक प्लेस में जाकर के मतलब खाने में और ज़्यादा मज़ा आया। सो आई होप आप लोगों को इस टाइप की वीडियोस पसंद आए, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं नेक्स्ट चैलेंज किस टाइप का करूँ और कैसा बनाऊँ। मेक श्योर आप लोग जरूर से ऐसा कमेंट करके मेरे को बताना। और इस वीडियो को बनाने में बहुत 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 मैंने मेहनत करा है क्योंकि मेरे घर से जहाँ मैं गई थी वो 7-8 किलोमीटर दूर है, तो मैं वहाँ गई थी, और नहीं 7-8 किलोमीटर मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया, 4 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, तो मैं वहाँ गई थी। वहाँ जाना फिर अंदर जाना, रोड से काफ़ी अंदर में है, और उसके बाद फिर मतलब रोड साइड में फूड ढूंढना कि व्हाइट कलर का क्या क्या फूड मिल सके। वैसे प्योर व्हाइट हर चीज़ नहीं मिला, और कुछ व्हाइट मिले, कुछ ऑफ व्हाइट मिला, लेकिन मज़ा आया इस चीज़ को करके, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ मुझे। एंड आई होप आप लोगों को भी मेरी ये अजीब और गरीब वीडियो देख करके मज़ा आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर से कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर होगी हमारी आपको मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।